नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरर टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी के राम मंदिर घोटाले वाला नया कारनामा छाया हुआ है। दोस्तों, इतनी तेजी से तो किस्मत भी नहीं पलटती जितनी तेजी से राम मंदिर जमीन के दाम पड़ गए। मंदिर की जमीन पर घोटालों के आरोपों पर भाजपा अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। सभी भक्तगण अंधभक्ति का गीत गा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज कूद पड़े हैं। महाराज जी कह रहे हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में राम भक्तों का धन लग रहा है, उस पर सवाल उठाने का नहीं। जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वो चंदे की रसीद लाई और अपने पैसे वापस ले जाइए। संजय सिंह ने कुछ चंदा दिया हो राम मंदिर के लिए तो हिसाब ले सकते हैं, अपना चंदा आपसे वापस ले सकते हैं। और अखिलेश यादव के जिस व्यक्ति ने भी आरोप लगाया उन्होंने भी कोई चंदा दिया हो तो हमसे चीज दिखाएं और चंदा वापस ले सकते हैं। देखा आपने, साक्षी महाराज ने चंद मिनटों में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। जो मंदिर निर्माण और ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वो अपने चंदे की रसीद दिखाए और अपने पैसे वापस ले जाएं। खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताने वाली बीजेपी राम मंदिर घोटाले पर विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कोई ठोस सबूत क्यों नहीं देती। साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरिमा में झांक ले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अगर घोटाले का शक है तो दोनों नेताओं ने जो चंदा दिया है उसको वापस लेने, इसके लिए उनको चंदे देने वाली रसीद दिखानी पड़ेगी बस। साक्षी महाराज ये भी कहते हैं कि मंदिर निर्माण में सारा धन राम भक्तों का लग रहा है, अखिलेश यादव या फिर संजय सिंह जैसे सवाल खड़े करने वालों का नहीं। सवाल उठाने वालों ने अगर मंदिर ट्रस्ट को चंदा दिया हो तो वो अपनी रसीद दिखाकर मुझसे उतनी धनराशि वापस ले जाएं। अगर चंदा नहीं दिया है तो फिर उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। महाराज जी, पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है। राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की जमीन मिनटों में 18 करोड़ 50 लाख की कैसे हो गई। लेकिन महाराज जी इसका जवाब देने के बजाय रसीद लाओ पैसे ले जाओ की बात कर रहे हैं। साक्षी महाराज कहते हैं कि श्री राम मंदिर के लिए जमीन क्रम पर सवाल खड़े करने वाले वही लोग हैं जिनके पुरखों ने कहा था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर एक ईंट नहीं रखने देंगे और राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। अब मंदिर निर्माण शुरू होने से इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वहां पर राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर सारे आरोप बेबुनियाद बता दिए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने भगवान राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, साक्षी महाराज का ऐसा कहना है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। महाराज जी ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ काम नहीं है। महाराज जी, काम तो आपकी पार्टी के पास भी कुछ खास नहीं है, आपकी पार्टी ने भी कोई महानता वाला काम नहीं किया है। खैर, ये बात अंधभक्तों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। तो सो चलते हैं इस खबर में, इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।